अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देखिए डकैत आता है और घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कराची के बहादुर शहरियों ने देखिए किस तरह से इस डकैत का मुकाबला किया और डकैत को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। देखिए डकैत के पास सामान होता है, सामान का अजादाना इस्तेमाल करता है, लेकिन कराची के चेहरी खाली हाथ होते हैं और पत्थरों से इस डकैत का मुकाबला करते हैं। किस तरह से ये वाक्य पेश आता है, शुरू से आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए ये बंदा ऑफिस जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ कर अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ से आप देखें किस तरह से डकैत आता है, दूसरे कैमरे से दिखाता हूं। ये देखें डकैत अकेला बाइक पर आ रहा होता है और इस डकैत के पास सामान भी होता है। आप देखें किस तरह से ये डकैत आएगा और अपनी मोटरसाइकिल को ये दूर खड़ी करता है और ये डकैत समझता है कि अकेला बाइक वाला वो बंदा खड़ा हुआ है, इसको लूटेंगे और बासानी चले जाएंगे। आप देखें डकैत यहां पर मोटरसाइकिल को खड़ी किया है और सामान निकालकर उस मोटरसाइकिल वाले भाई के पास बढ़ता है, लेकिन डकैत जैसे ही उस तरफ बढ़ता है छोटा भाई घर से बाहर निकल जाता है। आप देखें जैसे ही डकैत यहां आया, छोटा भाई घर से बाहर निकलता है तो डकैत घर के अंदर घुसने की कोशिश किया, लेकिन आप देखें बड़े भाई जो बाइक पर बैठे हुए वो शोर करते हैं और इलाके वाले को जगा देते हैं। किस तरह से ये वारदात को दोनों भाइयों ने मिलकर नाकाम बनाया, देखें बड़े भाई जो है किस तरह से शोर कर रहे हैं और पत्थरों से डकैत का मुकाबला कर रहे हैं। डकैत दूसरी तरफ से सामान का अजादाना इस्तेमाल कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप देखें किस तरह से डकैत को पूरे इलाके वाले ने मिलकर भागने पर मजबूर कर दिया, घर से बाकी भाई भी निकल जाते हैं। आगे मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ, दूसरी तरफ घर वाले ने भी ऊपर से कुछ फेंका लेकिन यह डकैत बासानी यहाँ से फरार हुआ है। आपको बताऊँ ये कराची का इलाका है, गुलशन इकबाल स्कीम 33 मस्जिद अमीर माविया के पास ये गली है जहां ये वारदात को कराची वालों ने नाकाम बनाया है। तो आप तमाम कराची वालों से गुजारिश है कि इसी तरह एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ मिलकर इन डकैतों को पकड़ने की कोशिश करें। देखिए घर के ऊपर से भी डकैत के ऊपर किसी ने कुछ फेंका है लेकिन ये डकैत बासानी फरार हो गया है। तमाम कराची वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सीटीवी व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।